एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स ऑफ बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज से हम UKPSC असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए टॉपिक वाइज MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला यूनिट जो है हमारा, दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इसके क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको MCQs के साथ साथ एक तरह से टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा। UKPSC असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन के लिए हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ऐप पर आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDFs एंड मॉक टेस्ट। तो जाइए, जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, एग्जाम्स आर वेरी नियर, है ना? सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के MCQs से और आपको भी अपने स्कोर चेक करने हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन प्लूरल सिंगुलर सेंस, आइदर ए और बी एंड बोथ ए और बी। आपको पता है ना, जब भी हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो देखो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि जितना भी हमारे पास डेटा है उसमें से एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हम अपने लिए निकालते हैं, ठीक है? एक पर्पस डिफाइंड होता है कि क्यों आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एंड देन डेटा कलेक्ट करके उससे इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी जब भी, तो हमने आपको बताया था कि दो तरह से स्टैटिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है। एक होता है आपका प्लूरल सेंस, ठीक है, और एक होता है आपका सिंगुलर सेंस। ओके, तो प्लूरल सेंस में क्या होता है, प्लूरल सेंस में सिर्फ आपके पास डेटा है ना, आपके पास कोई भी डेटा है, आपने उसे एनालाइज किया अच्छे से, ठीक है, That is your statistics in plural sense. लेकिन जब आप उसमें कुछ methods लगाते हैं, ठीक है, जब data पे कुछ methods लगाते हैं जिसकी वजह से आप inferences यानी कि कुछ conclusions draw करते हैं कि आपको इस data से क्या समझ आया, है ना, ये data आपके लिए कैसे relevant हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं कि हम statistics की study कर रहे हैं in singular sense. Okay? तो यहाँ पर हमसे यही पूछा है कि जब स्टैटिस्टिक्स को सिंपली डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, तो न्यूमेरिकल डेटा के टर्म्स में जब हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। तो ढंग से पढ़िएगा, कभी कभी बहुत बेसिक चीजों से भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए अच्छे से आपको हर एक टॉपिक को यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, पहला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस एंड स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद, जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड या नन ऑफ द अबव। स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते टाइम आप जो भी डेटा जो आपके लिए रेलेवेंट होता है, जो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होती है, वो क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है ना, दोनों ही होती है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, जैसे कि आप किसी के एट्रीब्यूट्स को बता रहे हैं, आप किसी की ऑनेस्टी के बारे में बता रहे हैं, ये क्या है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जहां पर नंबर्स असाइन हो गए, न्यूमेरिकल डेटा हो गया, दैट इज क्वांटिटेटिव, ठीक है? जैसे कि आपने किसी की हाइट के बारे में बताया, किसी के वेट के बारे में बताया, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो जब स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स हमारी क्वालिटेटिव भी होती है और हमारी क्वांटिटेटिव भी होती है। आपने मेजरमेंट ऑफ स्केल्स पढ़े हैं ना, नॉयर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल रेशियो, ये दोनों कैसे होते थे, क्वालिटेटिव, और ये दोनों कैसे होते थे, क्वांटिटेटिव। तो स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद बोथ इंफॉर्मेशन, मिक्स्ड इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, है ना? तो यहां पर जो आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3,
एंड एट्रीब्यूट इज, एट्रीब्यूट किसी चीज की क्वालिटी, उसका विशेषता, उसका गुण क्या कहलाता है, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, क्या वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या वो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो अभी मैंने आपको देखिए इस स्लाइड पे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम क्वालिटेटिव भी डेटा को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट्स, और क्वांटिटेटिव भी स्टडी करते हैं, जस्ट एग्जांपल हाइट वेट। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा है कि जब एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये सिंपली हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, मार्क्स ऑफ एन स्टूडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स जब हम देखते हैं, ठीक है, मार्क्स है ना, हम सभी के मार्क्स आते हैं। अभी जैसे ये पूरी की पूरी सीरीज जब आप देखेंगे तो आप भी देखेंगे कि हाँ कितने मार्क्स हमने स्कोर किए हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं, है ना, ये आप भी देखेंगे। तो वैसे ही बोला है मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट किस चीज का एग्जांपल है, क्या ये एक एट्रीब्यूट है, क्या ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्या ये कंटीन्यूअस वेरिएबल है। तो देखो मार्क्स, किसी के मार्क्स आएंगे भाई 15, किसी के आएंगे 18, किसी के आएंगे 14, है ना, इस तरह से मार्क्स आएंगे। तो ये जो मार्क्स है ये कैसे है, देखो ये है आपके डिस्क्रीट फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में मतलब जिसे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी होती है ना आपकी कंटीन्यूअस वेरिएबल, कंटीन्यूअस वेरिएबल मतलब जिसमें इनफिनाइट क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, आप सिर्फ मेजर कर सकते हो, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं 10 से लेकर 20 बहुत सारे नंबर्स होंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं 11 13 17 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। तो मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट के जो मार्क्स है ये क्या होते हैं, ये सिंपली आपका एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट्स आर। अच्छा, अब डेटा कलेक्शन की बारी आ गई। तो जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो मेथड है, कौन कौन से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब भी हम डेटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम डेटा को कलेक्ट करते हैं, दैट इज प्राइमरी डेटा। और जब हम किसी पब्लिश्ड सोर्सेस से अपने डेटा को लेते हैं, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर से ले लिया कोई डेटा, आपने मैगजीन से ले लिया, आपने किसी की कोई रिपोर्ट थी उसमें से अपना डेटा ले लिया, है ना, विकिपीडिया से डेटा ले लिया, दैट इज योर सेकेंडरी डेटा। अब क्वेश्चन क्या पूछा, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन, आप रिलीजन के ऊपर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फॉर द फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, जो सेंसस रिपोर्ट्स आती है उसमें से आप क्या कर रहे हैं, रिलीजन के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, सेंसस रिपोर्ट्स में डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है ना, डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है। तो हमें क्या करना है, जो ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड है उसको जब हम यूज कर रहे हैं तो ये कैसा डेटा है हमारा, दिस इज आर सेकेंडरी डेटा। अगर हम खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहे होते, एक एक पर्सन से जाकर इंडिविजुअली बात कर रहे होते, तो कौन सा डेटा हो जाता, प्राइमरी डेटा। बट क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश्ड सोर्सेज से हम डेटा ले रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी डेटा। ओके, क्लियर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको जैसे कि मैंने बताया भाई पब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं, कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं, जैसे हो गया आपका न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स, मैगजीन्स, है ना, ये सब चीजें जहां से आप डेटा कलेक्ट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज है सेकेंडरी डेटा के, कौन से, देखो सेकेंडरी की बात कर रहा है ना, तो ऑप्शन में प्राइमरी देखते ही कैंसिल कर दो, प्राइमरी हट गया, प्राइवेट प्राइमरी हट गया। तो या तो मेरा आंसर ऑप्शन ए है या फिर मेरा आंसर ऑप्शन डी है। अब ढंग से पढ़ो, यहाँ पर लिखा है इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेज, और यहाँ पर लिखा है सिर्फ गवर्नमेंट सोर्सेज। गवर्नमेंट सोर्सेज से हम डेटा लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, गवर्नमेंट जो भी अपनी वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल कराती है उससे हम यूज कर सकते हैं, है ना। और
और इंटरनेशनली भी हम डेटा यूज करते हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में कोई डेटा पब्लिश हुआ और मैंने उसे अपने रिसर्च वर्क में यूज कर लिया, क्या ये सेकेंडरी डेटा है? यस, ये सेकेंडरी डेटा है ना? तो ज्यादा अच्छे से हमारे आंसर कौन हमें प्रोवाइड कर रहा है? ऑप्शन ए, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से इलैबोरेट कर रहा है कि क्या एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकता है फॉर सेकेंडरी डेटा। तो कोई इंटरनेशनल सोर्स भी हो सकता है और गवर्नमेंट सोर्स भी हो सकता है। यहाँ पर ये इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अफ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कितने टाइम्स कोई डेटा अकर हुआ है किसी सीरीज में, है ना? जैसे कि x और f, x में मैंने लिख दिया यहाँ पर मार्क्स, ठीक है, नहीं मार्क्स नहीं, यहाँ पर लिखते हैं हम स्टूडेंट्स, x में हम लिखते हैं स्टूडेंट्स और f में हम लिखते हैं मार्क्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, पहले स्टूडेंट ने फर्स्ट वन स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 10 है, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट 1 जिसके मार्क्स 10 है, स्टूडेंट 2 जिसके मार्क्स 12 है, स्टूडेंट 3 जिसके मार्क्स 9 है, स्टूडेंट 4 जिसके मार्क्स 18 है, स्टूडेंट 5 जिसके मार्क्स 16 है, ठीक है। अब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 स्कोर किया है? अगर मैं ये बोलूं, यहाँ पे लिखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 मार्क्स स्कोर करे हैं? तो ऐसे 8 स्टूडेंट हैं, ठीक है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12 मार्क्स स्कोर किया? ऐसे सपोज कीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं, है ना, इस तरीके से। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इसमें आप ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, एक सही तरह से डेटा अरेंज करते हो, डेटा को ग्रुप्स में भी अरेंज करते हो, है ना, जब ग्रुप सीरीज होती है, और एक मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इन सभी डेटा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। भाई ये बार बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, म्यूचुअली सीरीज से, म्यूचुअल सीरीज से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब आप कोई चीज हटा रहे हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है देखो कुछ इस तरीके से, जैसे आपने लिखा ना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, है ना, और यहाँ पे लिख दिया आपने 6, 8, 10, 12। ये था आपका क्लास इंटरवल, ये थी आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 0 to 10, तो 0 to 10 में आपको पता है 10 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, मतलब यहाँ पर ये जो 6 फ्रीक्वेंसी है ये सिर्फ 0 to 9 तक की है। देन यहाँ पर भी 10 से 20 लिखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 से 19 तक ही आपकी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। इसका मतलब देखो ये क्या होती है, लोअर लिमिट, ये क्या होती है, अपर लिमिट। तो जब किसी सीरीज में अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती लेकिन लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, उसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सीरीज। या फिर आप कह सकते हैं कि पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट इक्वल है दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के, तब भी क्या कहलाती है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, एक्सक्लूसिव बोथ द क्लास लिमिट्स। क्या ये दोनों क्लास लिमिट्स को एक्सक्लूड करता है? क्या दोनों क्लास लिमिट इंक्लूड नहीं है? नो, दिस इज नॉट राइट। एक्सक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड द लोअर क्लास लिमिट। अच्छा, अपर क्लास लिमिट को एक्सक्लूड कर रहा है, ये अपर क्लास लिमिट है, क्या इसे हमने एक्सक्लूड किया? यस। और इंक्लूड किया लोअर क्लास लिमिट को, क्या हमने लोअर क्लास लिमिट को इंक्लूड किया? यस। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जब आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली अपने आंसर्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय।
अच्छा देखो, मीन मीडियन मोड एवरेजेस हमने पढ़े हैं, है ना, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी। दो तरीके से एवरेजेस निकालते हैं हम, एक होता है मैथमेटिकल एवरेजेस, और एक होता है आपका पोजिशनल एवरेजेस। ठीक है, मैथमेटिकल एवरेजेस में आता है आपका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेजेस में आता है आपका मीडियन और मोड। ठीक है, तो आपसे पूछा है मोड जो है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो देखो मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज मोड, है ना। हम सभी ने पढ़ा है कि जिसकी सबसे ज्यादा रिपीटेटिव वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं मोड। तो मोड कैसे ऑब्टेन किया जाता है, देखो मोड ऑब्टेन किया जाता है आपके हिस्टोग्राम से। देखो आपने ऐसे टेबल चार्ट जब बनाए हैं, आपने जब डेटा को रिप्रेजेंट किया है, तो आपके पास बार ग्राफ होते थे ना ऐसे, इस तरीके से, है ना। वैसे ही हिस्टोग्राम भी होता है, जहां पर क्या होता है, ये जो रेक्टेंगल शेप्स हैं ये आपस में ऐसे अटैच होती है, है ना। तो यहाँ पर देखकर मैं बता सकती हूँ कि मेरा मोड कौन सा है, है ना। हिस्टोग्राम से हमें पता चलता है कि हमारा मोड क्या है। तो मोड अगर हम ग्राफिकली ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसके लिए करेक्ट मेथड होता है हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो मीडियन का पूछ लिया आपसे, मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, मीडियन 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 मतलब मिडल वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू मिड में है दैट इज मीडियन। ठीक है, अब मीडियन को किससे किससे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं ग्राफ से, तो उसके लिए बनता है ओजाइव ग्राफ, जो कि लेस देन भी हो सकता है, इस तरीके से बनता है ना, और मोर देन भी हो सकता है। तो जहां पर ये पॉइंट ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है और उसे हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेकर आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा मीडियन। तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं तो मीडियन क्या होती है, हमारी ओजाइव ग्राफ, लेस देन टाइप ओजाइव। ठीक है, लेस देन भी हो सकता है, मोर टाइप, मोर देन भी हो सकता है। यहाँ पर मोर देन नहीं दिया गया, लेस देन दिया गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन अ करेक्ट सीक्वेंस। भाई डेटा प्रोसेस कर रहे हैं हम, डेटा की प्रोसेस चल रही है, तो डेटा को एक करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, ना, इस तरीके से। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे लिखा है कोडिंग, एडिटिंग, टैब्यूलेशन, क्लासिफिकेशन यूजिंग परसेंटेजेस, परसेंटेजेस। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको यहाँ पर स्टार्टिंग हो रहा है ए डी सी बी से और एंड हो रहा है ई से। भाई सबको पता है एंड तो ई से ही होगा, क्योंकि एट द एंड ही हम परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे, एट द एंड ही हम इन्फ्रेंसेस निकालेंगे, कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। हम सभी ने डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व किया है ना, डीआई पढ़ा है, तो यूजिंग परसेंटेजेस एंड में आएगा, तो मुझे पता है ऑप्शन ई तो एंड में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो डेटा कलेक्ट करते हैं लेकिन उसमें से सिर्फ अपने काम का ही डेटा रखते हैं, है ना। इतना सारा डेटा है भाई, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आप सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, वही जो आपके सिलेबस में है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डेटा को एडिट करेंगे कि कौन सा डेटा आपके लिए रेलेवेंट है, कौन सा डेटा आपके काम का है, है ना। तो जो पहला होगा दैट इज ऑप्शन बी, एडिटिंग। सबसे पहले हम करेंगे डेटा को एडिट, और एक ही ऑप्शन है जिसमें आंसर ऐसा दे रखा है, तो मेरे को अपना आंसर वैसे मिल चुका है ऑप्शन डी, लेकिन फिर भी हम इसे कंप्लीट करेंगे कि यहाँ पर जब डेटा एडिट हो गया, एडिट होने के बाद आप क्या करेंगे, उसे कोडिंग, क्या करेंगे, कोडिंग, कोड करेंगे, है ना, कोडिंग करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है आपको, उसका क्लासिफिकेशन, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के डेटा को एक ही जगह पर कैटेगराइज करना है। फिर टैब्यूलेशन, जब आप टेबल चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे डेटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, जिससे वो इजी वे में किसी को भी अंडरस्टैंड हो पाए।
तो टेबुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा बी ए डी सी और आपका ई। तो जो करेक्ट आंसर होगा मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये हिंदी में भी यहाँ पे डेट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन 12, अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड यूजिंग अ मोबाइल। ठीक है, एक रिसर्चर है जो कि एक रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहते हैं, जिसका रिलेशनशिप क्या है, जेंडर और मोबाइल फोन को यूज करने के बीच का क्या रिलेशन है। तो आपसे पूछा है इसके लिए हम जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे वो कैसा डेटा होगा। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, कंटीन्यूअस डेटा, क्लासिफाइड डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा जिसमें हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा जिसमें हम कोई एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं, किसी का कोई पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड, है ना, परसेप्शन, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। कंटीन्यूअस डेटा विच इज नेवर एंडिंग, है ना, जो बहुत इनफिनाइट है। क्लासिफाइड डेटा जिसे हम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास जेंडर है, कोई भी जेंडर है, मेल फीमेल, है ना, वो मोबाइल यूसेज कैसे करता है, इसका हमें रिलेशन देखना है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जनरेशन जो है, जैसे कि अडल्ट जनरेशन काफ़ी मोबाइल फ़ोन यूज़ करती है, ठीक है, वैसे ही जो आपका ऐसे कंपेरिजन कह सकते हैं कि मेल ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबाइल, फीमेल ज़्यादा यूज़ करती है, या मेल कम करते हैं, फीमेल कम करते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एक रिसर्चर इन दोनों वेरिएबल्स के बीच पे एक रिलेशन स्टडी कर रहा है, तो इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए उसे जो डेटा चाहिए दैट इज क्वालिटेटिव। ठीक है, क्योंकि देखो जो क्वालिटेटिव डेटा है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा अच्छे से बता पाता है। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन भी करेंगे ना कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि मेल ज़्यादा यूज़ करते हैं या फीमेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, या क्यों भी हम कंक्लूजन कोई भी दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं। क्वांटिटेटिव डेटा में तो आप नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे हम नंबर्स नहीं, हम इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का कनेक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं। और कंटीन्यूअस डेटा और क्लासिफाइड डेटा तो कहीं से भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, क्वालिटेटिव डेटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच डेटा इज चीपर टू कलेक्ट। कौन सा डेटा चीपर, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जिसमें हमारी कम कॉस्ट लगती है, इकोनॉमिकल जो होता है वो कौन सा डेटा होता है। देखो प्राइमरी डेटा में बहुत कॉस्ट लगती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको खुद जाकर डेटा कलेक्ट करना होता है, आपका टाइम भी लगता है, आपका पैसा भी लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। ठीक है, तो जो चीपर डेटा होता है दैट इज सेकेंडरी डेटा, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, बस आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसे यूज करना है। तो ये कैसा डेटा है, ये चीपर डेटा है जिसे आपको कलेक्ट करना आसान है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यू डेटा, कलेक्टिव डेटा, ये कोई आपके आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 14, फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स इन रिसर्च द स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड इम्प्लॉयज। अच्छा, आप लोगों ने सैंपलिंग टेक्निक्स पढ़ी है ना, सैंपलिंग टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसके सबके इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट होने के, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस नहीं होते, यहाँ पर रैंडम होते हैं वेरिएबल्स का सिलेक्शन, है ना। तो प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे टाइप्स से, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है। तो जब सैंपल्स को हम सेलेक्ट करते हैं तो स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड क्या था आपको याद होगा, पहले तो मुझे बताइए ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है या नॉन प्रोबेबिलिटी, जल्दी से बताइए। नॉन प्रोबेबिलिटी, यस, ये कौन सा है, नॉन प्रोबेबिलिटी। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम, आपने नेटवर्क मार्केटिंग सुना होगा, है ना, रेफरल्स होता है यहाँ पे, रेफरल्स कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी दूसरे पर्सन को रेफर कर रहे हैं, जैसे कि आपने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करना है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप पहले एक ग्रुप बना रहे हैं, उन्हें स्टडी कर रहे हैं, फिर वो किसी दूसरे को रेफर कर रहे हैं कि इनको भी स्टडी करो, फिर ऐसे करके। अच्छा, और भी अच्छा एग्जाम्पल, आपने जय हो मूवी देखी होगी कि थैंक यू नहीं बोलना है, आगे तीन लोगों की हेल्प करनी है ना, ये क्या है, ये स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड है। तो किसी भी रिसर्च में जब आप स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके
रेफरल्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाना है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, जिसमें आप रैंडमली कोई भी नंबर को चूज करते हैं या कोई भी रैंडम सैंपलिंग में से कोई भी सैंपल को ड्रॉ करते हैं जिसके इक्वल चांसेस है सेलेक्ट होने के। तो रैंडम सैंपलिंग में आता है आपका लॉटरी सिस्टम, ठीक है, जैसे लॉटरी सिस्टम फिश बॉल मेथड है ना। फिर आती है आपकी डेलिब्रेट सैंपलिंग। डेलिब्रेट सैंपलिंग भी स्नोबॉल सैंपलिंग की तरह ही होती है, ठीक है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। अब देखो एक आंसर लॉटरी सिस्टम 3 है, तो एक आंसर 3 है तो मुझे अपना आंसर यही पे मिल गया है ना। अब जैसे डेलिब्रेट सैंपलिंग है, डेलिब्रेट सैंपलिंग मतलब आप स्पेसिफिक पर्पस से सैंपलिंग कर रहे हैं। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग का याद है आपको, आपने फिक्स इंटरवल, मैंने कहा एवरी थर्ड पर्सन आ जाओ सुनाओ चलो वाइवा दो अपना, है ना। तो ये क्या लॉटरी, सॉरी फिक्स इंटरवल्स, सिस्टमैटिक में फिक्स इंटरवल। मल्टी स्टेज, जिसमें आप बार बार अलग अलग स्टेजेस पे इंटरवल्स पे क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जामिनेशंस होते हैं तो पहले प्री देन मेंस देन इंटरव्यू, है ना, इस तरीके से। तो मल्टी स्टेज में क्या आएगा, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। सपोज यू वांट टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। आप नेशनलाइज्ड बैंक का एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। अब इतने सारे नेशनलाइज्ड बैंक है, है ना, तो उनकी एफिशिएंसी कैसे करेंगे भाई। आपको एक एक लेवल पे सारे नेशनलाइज्ड बैंक को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कि पहले आपने एक लेवल पर, पहले आपने क्या किया, स्मॉल स्मॉल आपने स्टार्ट किया कि आप पहले क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। इस तरीके से आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, दैट इज योर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। अ कॉलेज प्रिंसिपल कंडक्ट्स एन एथनोग्राफिक, एथनोग्राफिक रिलेटेड टू योर कल्चर, ठीक है, रिलेटेड टू एक्सपीरियंसेस, प्रोब इनटू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्राइबल स्टूडेंट्स। एक कॉलेज प्रिंसिपल ने एक रिसर्च कंडक्ट करी जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, जिसमें हम ट्राइबल स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करते हैं उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। तो इसमें से कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट रहेगा बताओ, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमेटिक। रैंडम, क्या आप रैंडमली किसी भी पर्सन को ले रहे हो, पहले तो मुझे बताइए, क्या रैंडमली आप कोई भी पर्सन को ले रहे हो, नहीं, यहाँ पे ट्राइबल स्टूडेंट्स को स्पेसिफाई किया तो रैंडम नहीं होगा। सिस्टमेटिक, क्या ऐसे बोला कि क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग हम अपने सैंपल्स को लेंगे, नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ट्राइबल स्टूडेंट्स मतलब, ट्राइबल स्टूडेंट्स का मतलब है ऐसे स्टूडेंट्स जो एक ही कम्युनिटी के हैं बट स्टिल उनके अंदर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस ग्रुप के अंदर इन सभी के, ये कैसे हेट्रोजीनियस। तो कहाँ पढ़ा है आपने हेट्रोजीनियस विद इन द ग्रुप, कहाँ पढ़ा है हमने, क्लस्टर सैम्पलिंग में पढ़ा है। तो हम यहाँ पे क्लस्टर्स बनाएंगे, है ना, ग्रुप बनाएंगे और फिर उनसे अपने डिस्कशन को करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ आ गया, 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन 18। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये आपके लिए होमवर्क है छोटा सा, कि आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, अगेन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हर होता है, देखो ईच यूनिट इज गिवन एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। तो ए का टू, ए का टू का यहाँ पर दिया ऑप्शन बी, मेरा आंसर हो जाएगा, टाइम सेव करना है, डायरेक्टली मुझे अपना आंसर मिल गया। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जहाँ पर आप कुछ इंटरवल्स को इस्तेमाल करते हो। डायमेंशनल सैम्पलिंग, ठीक है, जो स्नोबॉल सैम्पल का ही क्या होता है, एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है जहाँ पर आप दूसरे पर्सन को रेफर करते हो। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्पेसिफिक फीचर्स आइडेंटिफाइड बिफोर ड्राइंग अ सैम्पल स्ट्रक्चर। स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, फर्स्ट मेंबर यूनिट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेकेंड यूनिट एंड सो ऑन। पहली यूनिट आप आइडेंटिफाई करेंगे एंड फिर नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट को वो जो पहला पर्सन आपने आइडेंटिफाई किया है वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 20।
इन अ सर्वे पीपल आर चोजन फ्रॉम क्लास फ्रेंड्स और नेबर्स फॉर द पर्पज ऑफ नोइंग देयर प्रेफरेंस फॉर अ सर्टेन ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक के लिए एक सर्टेन ब्रांड की प्रेफरेंस आप जानना चाहते हैं, आपने अपने पड़ोसियों से पूछा, आपने अपने दोस्तों से पूछा कि बताओ सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपको कौन सी पसंद है, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी पसंद है। तो क्या ऐसा हुआ कि आप कहीं दूर किसी और की क्लास फ्रेंड या किसी और के नेबर से जाके पता कर रहे हैं, आप अपने क्लास फ्रेंड्स और अपने नेबर्स के अकॉर्डिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये कैसी सैम्पलिंग है, ये आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। आप डेटा लेने किसी दूसरी जगह नहीं पहुंचे, आपने अपने आसपास के देखा, अच्छा ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ठीक है इन दोनों से ही पूछ लेता हूँ, है ना। फिर आपने अपने घर के पड़ोस में लोगों से पूछा, तो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब डेटा कलेक्ट किया जाता है दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, आंसर ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आपके स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं, ये था आपका पार्ट फर्स्ट। ऐसे ही और भी लेक्चर्स इसके अपलोड किए जाएंगे जिसमें आपको पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स भी रिवाइज हो जाएगा और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए पढ़िए, एंड मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, UKPSC Assistant Accountant और UPPCL Assistant Accountant। हम दूसरे वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, बाय बाय।